क्राइम ब्रांच एवं थाना कोतवाली पुलिस ने नमकीन के कारखाने में दबिश देते हुए भारी मात्रा में कीड़े लगे हुए सिंघाड़े, फलारी, नमकीन के साथ साबूदाना, आटा, बेसन, मैदा, पिसी हल्दी एवं मिर्च, पाम ऑयल तथा कई क्विंटल तैयार किया हुआ नमकीन जब्त किया है। साथ ही पैकिंग की मशीन तथा 6 भट्टियां जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए की है, उसे सील कर दिया गया है। दरअसल दिनांक 24/2/2021 को क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली अंतर्गत राजीव नगर चेरीताल में जितेंद्र कुमार जैन, जो कि मूलतः कुटेरा जिला दमोह का रहने वाला है, किराए के मकान को लेकर अमानक चीजों एवं कीड़े लगे सिंघाड़ों से नमकीन बना रहा है, जिसके बाद दबिश देते हुए कार्रवाई की गई। प्रारंभिक पूछताछ में जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जबलपुर के अलावा सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, शहडोल आदि जिलों में नमकीन की सप्लाई की जाती थी। थाना पुलिस यहाँ पे आई हुई है। ये लोग जो खाने योग्य पाम ऑयल नहीं होता है, पाम ऑयल उसका यूज कर रहे हैं, उससे नमकीन और अन्य चीजें बना रहे हैं। उसके 3 सेट और ये निर्माण भी पाया गया है, निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, ये लोग जो मसाले यूज कर रहे हैं उसमें भी मिलावट की सूचना मिली थी कि मिलावट की गई चीज़ों में, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही ये लोग जो तेल यूज़ कर रहे हैं सामग्री बनाने में, सिंघाड़े यूज़ कर रहे हैं, वो टोटल घुन लग चुका है, खाने योग्य नहीं है, उससे उपवास वाला नमकीन बनाया जा रहा है। इनकी फर्म जो है लक्ष्मी नमकीन के नाम से है, लेकिन जो नमकीन सप्लाई किया जाता है उस पर किसी भी पैकेज पे इनका फर्म का नाम नहीं लिखा हुआ है, बिना ऐसे ही सादे पन्ने में पैक करके बेचा जा रहा है। कितने समय से चल रहा है मैडम जी काम यहाँ पे? काम का अभी समय का मुझे पता नहीं है।